दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विज्ञान में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप रेलवे NTPC 2019 के एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है रेलवे NTPC के कैंडिडेट के बारे में कि तो मैंने इसलिए इस टॉपिक पे वीडियो बनाए कैसे आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल से। जैसे कि आप सबको पता है कि एग्ज़ाम इस महीने के लास्ट तक चलेगा। RRB ने पहले ही स्टाफ नर्स और RRB पैरामेडिकल के सारे रीजन के एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए हैं अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे। और पैरामेडिकल का एग्ज़ाम 19 जुलाई को होगा। आप सब जानते हैं कि इस बार रेलवे ने 1,70,000 वैकेंसी निकाली है जिसके एग्ज़ाम NTPC ले रहा है, और एक सुनहरा मौका है रेलवे में नौकरी पाने का। सारे कैंडिडेट को एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट आउट निकाल के फिर एग्ज़ाम सेंटर में लेके जाना है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में हमें पेपर वाला एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। रेलवे कोई भी एग्ज़ाम लेती है वो उसका एडमिट कार्ड 4 दिन पहले रिलीज़ कर देती है, चाहे वो कोई भी रीजन का हो। तो इस हिसाब से कोई भी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम जो 20 जुलाई को है, उसका एडमिट कार्ड हमें 16 जुलाई को रिलीज़ होगा, वो RRB की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। वैसे ही जो एग्ज़ाम 20 जुलाई को होगा, उसका एडमिट कार्ड हमें 17 जुलाई को मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते और जानते हैं हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड को जो RRB के वेबसाइट पे आएगा। एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हमें ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रखा है। नीचे लिंक में फिर अपना रीजन चूज़ करके क्लिक करना है। उसके बाद अपना यूज़र ID एंड डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद सबमिट करने के साथ साथ आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल ताकि मैं आपको सारे अपडेट दे सकूं और कोई भी सरकारी नौकरी आपसे मिस ना हो, और दबा दीजिए बेल आइकन को। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।